फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने ओप्पो F25 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ऑटो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन की जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक कम या ज्यादा होने लगती है, तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो अपने मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है नीचे की साइड ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, इसे आपको टैप करना है। अगले पेज में आपको जो है नीचे की साइड ऑप्शन मिलता है ऑटो ब्राइटनेस, ऑटो ब्राइटनेस के सामने वाला बटन अगर आपका ये चालू है ना, तो इसे आपको बंद करके रखना है, जैसे मैंने बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब देखिए, अगर फिर भी नहीं होती तो आपको करना क्या है, देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में ना ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के इस ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप के अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है ऐप्स का, ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। इस वाले पेज में आपको जो है नीचे की साइड ये एंड्रॉइड सिस्टम, एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब देखिए, इस वाले पेज में आपको ये स्टोरेज का ऑप्शन आपको टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन को ना एक बार आपको रीस्टार्ट जरूर कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब आपको जो है इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन एक शो होगा, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। आपको नीचे ये पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की ऑटो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके मोबाइल फोन की जो ऑटो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।